हेलो क्लास, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू योर नेक्स्ट टॉपिक CSS सिंटैक्स। CSS के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम इसका सिंटैक्स देखेंगे। CSS कंप्राइजेस ऑफ स्टाइल रूल्स दैट आर इंटरप्रेटेड बाय ब्राउज़र। जैसे आपको पता है CSS में क्या होते हैं, स्टाइल्स होते हैं, उन स्टाइल्स को ब्राउज़र समझता है, इंटरप्रेट करता है एंड देन अप्लाई टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन योर डॉक्यूमेंट, और वो जो स्टाइल है जिस एलिमेंट पर लगा है उस एलिमेंट पर उसको लगाता है। स्टाइल रूल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। स्टाइल रूल के कुछ पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपके पास प्रॉपर्टी, और इट डिफाइन हाउ द एलिमेंट विद डिस्टिंक्ट स्टाइल शुड लुक ऑन द वेब पेज। प्रॉपर्टी ये बताता है कि एलिमेंट वेब पेज पर कैसा दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल फॉन्ट फैमिली, कलर, बैकग्राउंड, बॉर्डर, कि फॉन्ट कैसा होगा, कलर कैसा होगा, बैकग्राउंड कैसा होगा, उसका बॉर्डर कैसा होगा। सेकेंड है वैल्यू। वैल्यू आर असाइन टू प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टी के अंदर जो वैल्यू होगी, जो प्रॉपर्टी है फॉन्ट फैमिली, इसकी प्रॉपर्टी है फॉन्ट, उसका अलग दिखाई देगा। प्रॉपर्टी में ये बताएंगे कि उसका फॉन्ट अलग होगा, कलर अलग होगा, बैकग्राउंड अलग होगा, बॉर्डर होगा, और वैल्यू में ये बताएंगे कि वो कैसा होगा, मतलब फॉन्ट में क्या वैल्यू जाएगी, कलर में क्या वैल्यू जाएगी, बैकग्राउंड में क्या वैल्यू जाएगी। जैसे फॉन्ट में हमने दे दिया मोनोटाइप, कर्सिव या टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। इसी तरीके से कलर में हमने रेड दे दिया, बैकग्राउंड में हमने कुछ भी कलर दे दिया, बॉर्डर में हमने फाइव साइज़ का बॉर्डर दे दिया, ये हो जाती है इसकी वैल्यू। उसके बाद है डिक्लेरेशन। अ प्रॉपर्टी एंड इट्स वैल्यू आर कलेक्टिवली कॉल्ड डिक्लेरेशन। प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू दोनों को हम मिलाकर बोलते हैं डिक्लेरेशन। नीचे एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। डिक्लेरेशन में दो वैल्यू है, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू, तो प्रॉपर्टी और वैल्यू दोनों को मिलाकर बन जाता है हमारा डिक्लेरेशन। फॉर एग्जाम्पल कलर ग्रीन, अ सेमी कॉलन सेपरेट ईच डिक्लेरेशन। सेमी कॉलन क्या करता है, दोनों ही डिक्लेरेशन को अलग अलग करता है। यहाँ पर हमारा कलर है प्रॉपर्टी, ग्रीन है उसकी वैल्यू, तो कलर और ग्रीन दोनों ही हमारे क्या कहला गए, डिक्लेरेशन। फिर है हमारे पास सिलेक्टर। इट इज़ द नेम ऑफ द HTML एलिमेंट टू विच स्टाइल अप्लाइड। ये वो एलिमेंट का नाम है जिस पर हम स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं। लाइक कलर है ग्रीन, ग्रीन कलर हम किस पर अप्लाई कर रहे हैं, जिस पर अप्लाई कर रहे हैं वो हो जाएगा हमारा सिलेक्टर। फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू चेंज द बिहेवियर ऑफ द HR एलिमेंट, अगर आप हॉरिजॉन्टल रोल के एलिमेंट के बिहेवियर को चेंज करना चाहते हो, उसमें कुछ भी आप चेंजेस करना चाहते हो, तो HR हमारा क्या है, सिलेक्टर। रूल, अ रूल इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सेलेक्टर एंड डिक्लेरेशन। पूरा का पूरा जो आप यहाँ पे लाइन लिखोगे सेलेक्टर और डिक्लेरेशन को मिलाकर, यानी एलिमेंट, एलिमेंट की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की वैल्यू, इन तीनों को हम क्या कहेंगे, रूल। इट इज़ एनक्लोज इन कर्ली ब्रैकेट्स। इसको हम पूरा का पूरा कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं। वी कैन आल्सो ग्रुप द रूल्स टुगेदर विच आर कॉल्ड रूल सेट। यहाँ तो एक ही रूल है, अगर आप दो चार रूल को इकट्ठा बनाते हो तो वो हमारा कहलाता है रूल सेट। एग्जाम्पल देखो, पी और HR, यानी पैराग्राफ और हॉरिजॉन्टल रूल, दोनों पर हम अप्लाई कर रहे हैं ग्रीन कलर, तो हेयर वी आर ग्रुपिंग टू डिफरेंट सेलेक्टर। तो यहाँ पर हमने दो सेलेक्टर ले रखे हैं, तो ये क्या है, रूल्स है, टू क्रिएट टू रूल्स। उसके बाद पैराग्राफ है फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली है इसकी वैल्यू मोनोटाइप कर्सिव, और कलर है इसका ग्रीन। हेयर वी आर ग्रुपिंग टू डिफरेंट डिक्लेरेशन, यहाँ पर हमने दो डिक्लेरेशन दी है, एक फॉन्ट फैमिली और एक कलर, ठीक है, टू क्रिएट टू रूल्स। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो सेलेक्टर है, दो सेलेक्टर को ही हम ग्रुप बना के रूल्स बना सकते हैं, हमारे सेलेक्टर भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं और हमारी प्रॉपर्टी भी एक से ज़्यादा हो सकती है। CSS इज रियली क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल विद इन द W3C कॉल्ड द CSS वर्किंग ग्रुप। CSS को मेंटेन करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें हम CSS वर्किंग ग्रुप के नाम से जानते हैं। द CSS वर्किंग ग्रुप क्रिएट्स डॉक्यूमेंट कॉल्ड स्पेसिफिकेशन, और ये लोग जो डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं स्पेसिफिकेशन, ठीक है। बेसिक सेलेक्टर इन CSS, आपने सेलेक्टर सेलेक्टर बहुत सुन लिया, अब हम पढ़ेंगे क्या क्या सेलेक्टर है। बेसिक सेलेक्टर, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कास्केडिंग स्टाइल शीट कंटेन सेलेक्टर एंड देयर एट्रीब्यूट्स। सेलेक्टर और उनकी वैल्यू हम इसके अंदर देखते हैं। सेलेक्टर इज़ द नेम ऑफ़ द HTML एलिमेंट टू विच अ स्टाइल इज अप्लाइड। सेलेक्टर उसका नाम है एलिमेंट का जिस पे स्टाइल हम अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए हमको सेलेक्टर के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। फर्स्ट देखेंगे हम यूनिवर्सल सेलेक्टर। द यूनिवर्सल सेलेक्टर वर्क्स लाइक अ वाइल्ड कार्ड करेक्टर एंड इज़ यूज टू मैच एंड अप्लाई अ स्टाइल टू ऑल द एलिमेंट्स ऑन अ वेब पेज। यूनिवर्सल सेलेक्टर एक वाइल्ड कार्ड करेक्टर की तरह होता है, जो क्या करता है, पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ कहीं भी वो लिखा होगा उसको मैच करता है और वहाँ पर अप्लाई होता है। वी यूज़ एन एस्ट्रिक सिंबल स्टार टू रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेलेक्टर। अगर आप किसी सेलेक्टर को यूनिवर्सल सेलेक्टर बनाना चाहते हो तो हम उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, स्टार।
star. The style rules that are defined inside the star selector will be applied to each element in the document. तो जो स्टाइल रूल है जहाँ कहीं भी स्टार जिसके साथ लिखा होगा उस पर वो अप्लाई कर देगा उस डिज़ाइन को या उस स्टाइल को, वो एलिमेंट जितनी भी बार डॉक्यूमेंट में मिलेगा उतनी बार उसके ऊपर उस स्टाइल को अप्लाई कर देगा। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जांपल स्टार फॉन्ट फैमिली एरियल। यूजिंग द यूनिवर्सल सिलेक्टर द टाइप फेस एरियल विल बी अप्लाइड टू द टेक्स्ट टू द होल डॉक्यूमेंट। अब हमने स्टार लगा दे एरियल, तो एरियल का जो स्टाइल है पूरे डॉक्यूमेंट पर अप्लाई हो जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे यूजिंग टाइप सेलेक्टर। सेकंड क्या है हमारे पास, टाइप सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर देख रहे हैं, अब हम टाइप सेलेक्टर देखेंगे। द टाइप सेलेक्टर ऑन द एलिमेंट सेलेक्टर, टाइप सेलेक्टर और द एलिमेंट सेलेक्टर आइडेंटिफाइड्स एलिमेंट बेस्ड ऑन इट्स टाइप। हम एलिमेंट को उसके टाइप के अकॉर्डिंग यहाँ पहचानते हैं। इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ द एलिमेंट इज डिक्लेयर विद इन द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट एंड देन अप्लाई द इफेक्ट्स ऑन दैट एलिमेंट। हम ये नहीं देखेंगे कि हमने इसको कैसे डिक्लेयर कर रखा है, सिर्फ हमने उसके ऊपर अप्लाई इफेक्ट्स को अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल H1 फॉन्ट वेट बोल्ड, फॉन्ट फैमिली एरियल, कलर रेड। द अबव CSS रूल विल बी अप्लाई टू ऑल द H1 एलिमेंट। जितने भी हमने यहाँ रूल डिज़ाइन किए हैं वो सारे के सारे H1 एलिमेंट पर अप्लाई हो जाएंगे इन द डॉक्यूमेंट, सो दैट द टेक्स्ट इनक्लोज बिटवीन H1 एंड H1 टैग विल बी डिस्प्ले एज बोल्ड एंड द टाइप विल बी एरियल। तो H1 हेडिंग के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा होगा वो बोल्ड होगा और उसकी क्या होगी, टाइप एरियल टाइप होगी। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम देखेंगे। देखो हमने स्टाइल टाइप में लिया टेक्स्ट CSS, टाइप में हमने क्या लिया टेक्स्ट, H1 में हमने ले लिया बोल्ड और एरियल और कलर ले लिया रेड। पैराग्राफ लिया हमने ग्रीन कलर का, साइज़ है उसका 20। स्टाइल को क्लोज कर दिया, हेड को क्लोज कर दिया, बॉडी में H1 ले लिया टाइप सेलेक्टर। अब देखो हेडिंग वन में जितने भी हमने यहाँ पर वैल्यू डिज़ाइन कर रखी है, सेलेक्ट कर रखी है, वो सब हेडिंग वन पर अप्लाई होगी। पी की जो कलर ग्रीन है, साइज़ 20 है, वो यहाँ पर यूजिंग टाइप सेलेक्टर पर अप्लाई होगा। ठीक है, तब अब ये देखो टाइप सेलेक्टर भी आपका क्या है, रेड कलर में है और उसका साइज़ क्या है, 20 साइज़ है। आगे हम देखेंगे यूजिंग क्लास सेलेक्टर। अ क्लास सेलेक्टर लेट्स यू अप्लाई CSS स्टाइल फॉर अ ग्रुप ऑफ HTML एलिमेंट। क्लास सेलेक्टर को हम अप्लाई करते हैं ग्रुप में। वंस द प्रॉपर्टी आर डिफाइन द प्रॉपर्टीज कैन बी अप्लाई टू द डिफरेंट HTML एलिमेंट ऑफ द सेम टाइम विद अ स्पेसिफिक क्लास। अगर एक जैसे हमारे पास HTML एलिमेंट है तो वहाँ पर हम इसको अप्लाई कर देते हैं। क्लास सेलेक्टर डिफाइन बाय प्लेसिंग डॉट सिंबल बिफोर अ क्लास नेम। क्लास नेम से पहले हम यहाँ पर डॉट लगाते हैं। जल्दी से एग्जाम्पल देखेंगे। HTML हेड टाइटल, टाइटल बाद हमने स्टाइल लिया टाइप टेक्स्ट, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और CSS। हमने यहाँ पर क्लास डिफाइन कर दी डॉट माई क्लास, यह क्लास सेलेक्टर का नाम। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी वैल्यू दे दी कलर रेड। स्टाइल को हमने कर दिया बंद, हेड को कर दिया बंद। बॉडी के अंदर हमने लिया है H1, क्लास का नाम दे दिया माय क्लास। अब जो क्लास के ऊपर रेड कलर अप्लाई है वो भी यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा क्लास सेलेक्टर पर। हेडिंग वन को क्लोज हमने कर दिया। पी पैराग्राफ पर भी हमने माई क्लास को अप्लाई कर दिया, यानी पैराग्राफ भी किस कलर का हो जाएगा, रेड कलर का। क्लियर है, तो यहाँ पर देखो हेडिंग वन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आउटपुट यहाँ पर आई हुई है। तो आप क्या कर सकते हो, क्लास सेलेक्टर को भी अप्लाई कर सकते हो, जो क्या करेगा जैसे भी सेम उसको नज़र आएंगी, जहाँ पर भी माय क्लास नज़र आएगा, क्लास का नाम नज़र आएगा, वहाँ पर क्लास के स्टाइल को अप्लाई कर देगा। क्लियर है।